नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन। हमारे पास वही चैलेंज है कि पहले रूट को हटाया जाए। रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह पे ए सेक थीटा मानना होगा। ए सेक थीटा, हम इसकी जगह पे ए सेक थीटा मानेंगे। एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वन हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, और थीटा का फिर से होगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी थीटा डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स इधर आ गया, यानी कि डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो रख देते हैं यहां पे, ये रूट के अंदर आएगा कितना, रूट के अंदर रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। डॉट डी एक्स की जगह पे रखेंगे ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है। हमने फिर क्या किया, यहां से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो रूट के बाहर ए निकल के आएगा, एक ए इसका और एक ए ये दोनों मिला के ए स्क्वायर पूरा हमने बाहर ले लिया, और यहां पे ब्रैकेट में बचा हमारे पास रूट के अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि टेन के बराबर होगा। तो यानी कि अब हमारे पास बच्चा ये हो गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा इंटू टेन टेन मिला के टेन स्क्वायर थीटा बन गया। टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने उठा के रख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। सेक थीटा चुपचाप अपनी जगह पे है, टेन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अब इसे ब्रेक करते हैं, ये ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। अभी हमने क्यूब वाला किया है इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे नीचे वाला जस्ट लेक्चर आप देखिएगा जाके, तो वहां पे हमने इंटीग्रेशन सेक क्यूब थीटा अलग से निकाल के रखा है, तो हम वहां पे उस इसे सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, रहने दीजिए, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मैंने क्या बताया, ये होता है वन बाई टू, वन बाई टू, तो ये वन बाई टू हो गया। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सेक क्यूब थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, ये होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये इसका इंटीग्रेशन है सेक क्यूब थीटा का माइनस, ये ए स्क्वायर अपनी जगह पे है चुपचाप रहने दीजिएगा, और सेक थीटा का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस सी को चुपचाप जोड़ दीजिए। अब ए स्क्वायर बाई टू का सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा, सेक थीटा टेन थीटा की जगह पे भी आप उठा के रख दीजिए कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रख सकते हैं, है ना। प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, और ये देखो लॉग हो जाएगा कितना, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई टू नहीं है इसके साथ, ठीक है, अकेला है, लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस सी। देखिए एक बट ए स्क्वायर बाई टू, और ये देखो ये आधा है, और यही सेम टर्म ये एक है, तो एक में आधा घटाएंगे तो माइनस वाला बच जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, सेक थीटा की जगह पर रखना है एक्स बटे ए, तो ये हो जाएगा एक्स बटे ए, ठीक है, इंटू, और यहां पे भी रख देना है एक्स बटे ए, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ये मैंने क्या बताया कि घट जाएंगे दोनों, तो सिर्फ माइनस का स्क्वायर बाई टू बचेगा, अरे एक बटे दो माइनस एक घटाओ तो माइनस का एक बटे दो बचेगा, तो माइनस का एक बटे दो, और जो लगा हुआ है लॉग उसे रख दीजिए, एक्स की जगह पे वही हमारा एक्स बाई ए सेक थीटा की जगह पे, और इसकी जगह पे रूट का कितना रखा था हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन प्लस सी है, रहने दीजिए, ठीक है। देखो एक एक तो ए इससे कट जाएगा, एक यहां से निकल के आएगा ए, नीचे से जब रूट हटाओगे
ए स्क्वायर बनेगा, ए निकल के आएगा तो वो ए कट जाएगा, यानी कि ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ पे टू आएगा, और इनटू इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये ए स्क्वायर बाई टू रहेगा, और ये लाग हो जाएगा हमारा कितना एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, तो हम बड़ा सा सी मान लेंगे उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।